तो जी नमस्कार, मैं हूं तुषार। आज हम दो रेसिपीज बनाने जा रहे हैं। जी हां, पहली रेसिपी है वेज ब्रेड सेसमे टोस्ट और दूसरी रेसिपी जो है वो है चीजी पनीर टिक्का सैंडविच। ये दोनों ही बड़ी मज़ेदार रेसिपीज हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपीज। तो सबसे पहले गाजर काट लेते हैं, इसको बारीक चॉप करना है। ये बीन्स को भी चॉप कर लेते हैं बिल्कुल बारीक बारीक। थोड़े से मकई के दाने, इसको भी जरा सा चॉप कर लेते हैं। ये कैप्सिकम, आपके पास जो सब्जी हो उन सभी सब्जियों का इस्तेमाल कर लीजिए आप। ये अदरक, इसको भी चॉप करना है बारीक बारीक। ये हरी मिर्च, ये हरा धनिया, उसको भी चॉप कर लेते हैं। चलो इन सब्जियों को हमें डाल देना है, सबको मिक्स कर देना है। चलिए अब इसमें दो मीडियम साइज के आलू डालने हैं और उसे ग्रेट करना है। अब नमक स्वाद अनुसार, अब इन सबको मिक्स कर लेना है। चलो जी गैस को ऑन कर देते हैं और पैन को लगा देते हैं जी। अब इसमें हमें जो सेसमे है यानी कि तिल है उसको हल्का सा रोस्ट करना है, हल्की आंच पर। अब देखिए ये तिल जो हैं हमारे भुनने शुरू हो गए हैं और इसी समय हमें गैस बंद कर देना है। आलू जितना स्टिकी होगा उतना अच्छा है इस रेसिपी के लिए स्पेशली। अब ये हम फिलिंग लगा देते हैं इस पर। यहां पर हमने कोई बटर बटर नहीं लगाया जी। अब इसको हाथों से चिपका देना है, इस तरह से फैला देना है। चलो इसे, ये जो तिल है ये रोस्टेड नहीं है, कच्चे तिल है, इसको इसमें इस तरह से डीप कर देते हैं। अब इसे, ये बहुत डेलिकेट है इसलिए बहुत आहिस्ता रखिए वरना ब्रेड टूट जाएगी आपकी। चलो जी गैस ऑन कर देते हैं और डाल देते हैं तेल। अब इसको पलट देना है और मीडियम गैस पर इसे चलाना है। तो ये हमारा जो सेसमे टोस्ट है बन करके तैयार हो चुका है, लेकिन हम दूसरी रेसिपी के बाद सबके साथ में प्लेटिंग करेंगे। एक बात मैं बता दूं कि जब आप ब्रेड पर आप ये मसाला डालते हैं, सारी सब्जियां डालते हैं, तो पानी का छींटा उस पर ज़रूर मारिएगा। मैंने मार दिया था पानी का छींटा, उसके बाद मैंने सारा जो ये मसाला है उसको फिल किया था। ये चीज़ पनीर टिक्का बनाने के लिए हम उसका मैरिनेशन तैयार कर देते हैं। सबसे पहले हाफ कप
ये दही लिया है, उसमें 2 चम्मच बेसन, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च 2 से 3। अब ये पनीर टिक्का का मसाला, तंदूरी मसाला, ये 1 टीस्पून। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसका मैरिनेशन तैयार कर लेना है। ये चुटकी भर कसूरी मेथी, नमक स्वाद अनुसार, इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें ये हमारे पनीर जो हमने क्यूब्स में काटे हैं उसे अंदर डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ताकि जरा रंग आ जाए। बटर लगा देते हैं सबसे पहले, धनिया पुदीने की हरी चटनी, इससे टेस्ट बढ़िया आता है। पनीर, अब ये कैप्सिकम हम लगा देंगे इस तरह से। प्याज जिसको हमने क्यूब्स में काटे हैं, अब ये टमाटर, ये भी क्यूब्स में काटे हैं। अब इस पर ये प्रोसेस चीज हम ग्रेट कर लेंगे, ये मोज़रेला चीज ये भी हम ग्रेट कर देंगे। यानी यहां पर हमने 2 चीज मिलाए हैं, एक प्रोसेस चीज और एक मोज़रेला चीज। गैस ऑन कर देते हैं मीडियम फ्लेम पर और इसे इस पर रख देते हैं। अब इसको ढक देते हैं जब तक कि हमारा चीज जो है अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। इसी तरह से हम बाकी की ब्रेड भी जो है तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों ही रेसिपीज बन करके तैयार हो चुकी है, दिखती ना एकदम बढ़िया सी। आप भी जरूर घर पर बनाइएगा। तो ये रेसिपीज आपको घर पर जरूर बनानी है और प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।